हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम ट्रिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखेंगे। इसका हम एक लेक्चर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये हमारा इसका सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के नोट्स आपको exam.com/13062 पे मिलेंगे। आप इस वीडियो को अगर हमारी वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो उस पे आपको इस वीडियो का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, क्योंकि हम अगर बीच बीच में वीडियोस को अपडेट करते रहते हैं तो वो जो लेटेस्ट वीडियो और इस लेक्चर के नोट्स हैं वो आपको exam.com/13062 पर मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसका फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट केसेस। तो इसमें ट्रिक क्या है कि 6-7 अगर हमारे टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं तो कौन सी इक्वेशन हमें उस प्रॉब्लम में यूज करनी है वो हम आपको बताएंगे। नाउ इस टॉपिक की जो थ्योरी है वो हम रिवीजन नोट्स में आपको पूरी अच्छे से बता चुके हैं। ये वही उसका जो रिलीवेंट पोर्शन है वो हमने यहाँ लगा दिया है, तो इसको आप एक बार चाहें तो दोबारा से लेक्चर नोट्स में देख सकते हैं। और अब हम इसके सीधे क्वेश्चंस करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि आपने रिवीजन नोट्स हमारे इसके देख लिए हैं। अब हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये 2013 का क्वेश्चन है, एनडीए का। तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फार्मूले वाला क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना। दो पर टू पॉइंट फॉर्म हमारी क्या है, y-y1 = y2-y1 / x2-x1 / x-1। तो ये क्वेश्चन सीधा फार्मूले पे है, ऐसे क्वेश्चन एनडीए में अब कम आते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसमें y1 x1 y2 x2 इनकी वैल्यूज रख दी तो हमारी इक्वेशन सॉल्व करके इसमें ये आ गई x+y = 3, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू दिस एंड सम ऑफ हूज एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज 14। तो ये हमारा एक्स और वाई के इंटरसेप्ट का सम हमारा 14 हो गया। अब इस प्रॉब्लम में हमें कौन सी वाली फॉर्म यूज करनी है, हमें इंटरसेप्ट वाली फॉर्म इसमें यूज करेंगे तभी होगा ये क्वेश्चन। इंटरसेप्ट वाली फॉर्म हमारी क्या है, x/a + y/b = 1। तो इसमें हमारे जो a और b ये क्या है, इंटरसेप्ट है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इनका सम हमारा क्या दे रखा है, a + b, इस क्वेश्चन में हमारा 14 दे रखा है। तो ये हमारी एक कंडीशन ये आ गई, यहाँ पे 14 होना चाहिए था। नाउ सेकंड हमारा ये दे रखा है कि ये वाली लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से होके जा रही है, विच पॉइंट इज दैट, दैट इज 3 4। तो 3 4 एक्स वाई की जगह हम रखेंगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगी हमारी ए एंड बी में। तो वो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 3 4 हमने ये रख दिया, हमारी इक्वेशन 3b + 4a = ab आ गई। तो ये हो गया, यहाँ पे हम इसको सिंपलीफाई करने के लिए यहीं पे हमने वैल्यू रख दी बी की 14 माइनस है, तो ए की एक इक्वेशन आ गई, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए में आ गई। उसको हमने सॉल्व किया तो हमारी दो वैल्यूज आ गई, 6 एंड 7। अब वो हमारे तो जब 6 है तो 8 हो गया, जब ए 7 है तो वो भी हमारा 7 हो गया, बी भी हमारा, क्योंकि दोनों का सम 14 है। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन दूसरी लाइन आ गई। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि हमारे ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है। इसमें भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन इज 5 यूनिट्स एंड द लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये क्या है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, अब इसमें अगर हम वो वाली फॉर्म लगा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि हमें ये 5 दिया हुआ है, तो इसमें ये वाला एंगल नहीं 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री एंगल हमारा ये दिया हुआ है। तो अगर ये एंगल थोड़ा सा हम बना के देखना पड़ेगा कि ये एंगल 120 डिग्री है तो ये 60 हो गया, ये क्योंकि नॉर्मल है तो ये 90 हो गया, तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया। तो
तो अब हमारे को फाइव पता है कि ये एंगल, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से हमने जो परपेंडिकुलर डाला है वो पता है, हमारे को पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया ये वाला एंगल। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारी, एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू पी। पी कितना है हमारा, 5। तो ये हो गया एक्स √3/2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो ये 2 इधर से घटा तो ये हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। तो एक्स √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हमारा इसका सॉल्यूशन इसमें कौन सा आ गया, एक्स √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये यहाँ पर एक्स है, ये गलत टाइपिंग आ रहा है। तो ये देखिए कितने सिंपल ढंग से हो गया। अगर हम इसका ग्राफ बना ले और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि इसमें क्या है, तो हम इसको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इक्वेशन, ये सब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले हैं। तो इसमें क्या है कि इफ पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म द फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी। तो ये हमें दिया हुआ है कि भाई ये हमारी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी है और पी हमारी ये वाली लेंथ है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, ये वाली है एंगल हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई दिया हुआ है, बी की वैल्यू हमने √3/2 रख दी तो ये आ गया। तो हमारी इक्वेशन इसमें क्या होती है, इसमें हमारी इक्वेशन होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा जो है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, √3/2। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, √3/2, इम्प्लाइज दैट अल्फा हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री आ गया, सी करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, ये कई सारे क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन के आते हैं डिफरेंट ईयर्स में, तो हम कुछ आपको बता रहे हैं और कुछ हमने आपको प्रैक्टिस के लिए इसी लेक्चर के अंदर दे दिए हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन। तो इसी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है कि भाई इसमें आपने ओरिजिन और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा ना इनका पहले, तो इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करके हमारी इसकी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। तो क्या हुआ हमारा, इसका सॉल्यूशन वी को हम इधर ले गए, बी एक्स पहली इक्वेशन को हमने लिख लिया बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी ए बी, और दूसरी को लिख लिया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी। तो ये दोनों इक्वल हो गए लेफ्ट हैंड साइड, उसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया एक्स इज इक्वल टू वाई। इस इक्वेशन में हमने एक्स इज इक्वल टू वाई रख दिया तो वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी निकल के, इसमें हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई ए बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, क्योंकि x और y हमारे इक्वल है तो जो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई वो भी सेम आ गई। तो अब हमें दो पॉइंट से होके जाने वाली इक्वेशन की वो निकल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें कि एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ये हमने फार्मूले में वैल्यू रख दी y माइनस 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी निकल के आ गई और हमारी इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू x आ गई। अब इसमें अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आप ये सोचिए, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये x और y एक स्टेप आप बचा सकते हैं कि जब हमारा x और y बराबर आ गया और स्लोप जो है अगर ओरिजिन से लाइन पास हो रही है तो वो उसके वाई अपॉन एक्स है और वाई और एक्स बराबर है तो हमारा स्लोप 1 हो गया और ओरिजिन से पास होने के लिए 0 0 ये है ही, तो हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट नहीं भी निकालेंगे तो भी हमारा आंसर आ सकता है आसानी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट A32 कट द लाइन y2y = x + 3 एंड x एक्सिस परपेंडिकुलरली एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ हमें इस केस में निकालनी है। तो इस वाले केस में पहले तो हम इसका एक डायग्राम हल्की जल्दी से बना लेते हैं, क्योंकि ये 2y = x + 3 है। तो ये हमारा क्या हुआ, y = 0 पे x = -3 है और x = 0 पे y = 3/2 है। तो ये वाली हमारी इक्वेशन लाइन ये हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है 3, 2, एक पॉइंट है समवेयर 3, 2। अब इससे दो लाइन इससे पास हो रही है और एक लाइन जो है वो इससे पास हो रही है, तो एक लाइन तो हमारी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और एक लाइन हमारी इसके परपेंडिकुलर है, ये वाली जो है। और ये यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, पी और क्यू, ये दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो बिल्कुल सीधा सा बात है कि भाई अगर हमारे को ये लाइन है 2y = x + 3, ये हमारी लाइन हो गई 2y = x + 3, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन हमारी क्या हो गई, उसकी इक्वेशन हमारी, इसको हमने पहले ऐसे लिख लिया x - 2y + 3 = 0, इसकी परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या होती है हमारी 2x + y + 3 = 0। तो अब हमने ये 3, 2 से प्लस k = 0, अब हम ये वाली लाइन हमारी 3, 2 से पास हो रही है, तो ये हो गया 6 + 2 = 8, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -8। तो ये वाली हमारी हो गई 2x + y - 8 = 0। तो एक तो हमारी ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। अब क्या कह रहा है, और ये वाली लाइन इस लाइन को कहाँ कट कर रही है, 2y = x + 3 को, 2y = x + 3 को कट करके हमारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया, क्योंकि ये इससे पास हो रही है और परपेंडिकुलर है। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हमारी, ये वाली जो लाइन है ये इससे पास हो रही है, तो ये क्या हो गई हमारी लाइन x = 3 आ गई ना, इस वाले डायग्राम से ऑब्वियस है x = 3 आ गई। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 0, और इस वाले के हमने इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन से एक पॉइंट निकाल लिया, और दोनों पॉइंट की जो है अगर टू पॉइंट फॉर्म में आ गया तो हमने लाइन की इक्वेशन निकाल ली। तो ये हमने आपको एक्सप्लेन कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए सॉल्यूशन इसका ये है कि हमने पहले ये वाली लाइन ली, इसके परपेंडिकुलर लाइन की हमारी जो इक्वेशन है वो हमने निकाल ली, और क्या कहते हैं उस पर ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये और जो गिवन लाइन है उसका हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, तो हमारा पी पॉइंट आ गया। x = 3 हमने डायरेक्टली डायग्राम से देखे लिख लिया, तो x = 3 हमारी ये इक्वेशन आ गई, इन दोनों वो आ गया पॉइंट आ गया 3, 0, तो हमारी ये वाली पॉइंट की इक्वेशन क्या हो गई, हमारी लाइन की इक्वेशन वो हमारी हो गई PQ = y - 14/5, 0, क्योंकि दूसरे वाले का 0 है, तो 0 - 14/5 डिवाइडेड बाई 3 - 13/5 x - 13/5। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस होती है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन में 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एंड बिकॉज ऑफ आवर शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ वेरियस चैप्टर्स यू वुड सेव लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप आधे से अधिक क्वेश्चन तो आप लेस देन ए मिनट में कर लेंगे ना, तभी आप इस क्वेश्चन को, इस पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। अब ये कई क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, आई थिंक 13th या 11th में आया था, 2007 में दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन।
अब ये वाले कुछ क्वेश्चंस जो है हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, वो आप हमारे लेक्चर नोट्स में देंगे, उसमें आप पहले ट्राई करिएगा और फिर नए बाद में शो सॉल्यूशन का बटन दबा के आप इनकी सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं कि कोई लाइन की इक्वेशन दी हुई है, जैसे एक्स प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो, और कोई पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, और हमें बोला है कि भाई फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की आप कोऑर्डिनेट्स हमको बताएं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि भाई हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इसमें इसमें हमारी एक लाइन ये दी हुई है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और एक हमारा पॉइंट दिया हुआ है से 2, 3। तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब ये जो है, इससे अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने को ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोला है। तो इसकी अगर हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन पता है, अगर इसकी भी पता हो जाए तो हम उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 निकालना तो बहुत ही आसान काम है। एक्स प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो, इसके परपेंडिकुलर लाइन हमारी क्या होगी, एक्स माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ये 2, 3 से हमारी पास हो रही है। तो 2 माइनस 3 कितना हो गया, 1, माइनस 1, तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई एक्स माइनस वन प्लस वन, एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स माइनस वाई प्लस वन हमारी इक्वेशन किसकी आ गई, ये हमारी इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, और इस वाली लाइन की इक्वेशन एक्स प्लस वाई माइनस 11 है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। अब सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लेते हैं जो दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन हमारा इसमें क्या आया, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो, आपने इसको किया तो इसका लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, एक्स प्लस ये हमारी इक्वेशन हो गई। दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू एक्स की 5 और वाई की वैल्यू 6 आ गई। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ये मैं ईच स्टेप को इसके एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाइंस और 3 पॉइंट्स एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय 4 लाइंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ मॉडुलस ऑफ दिस डिटरमिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तभी तो जब हम कोलिनियरिटी चेक करते हैं उसमें डिस्को, क्योंकि कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होगा, तो यही वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू हम जीरो रखते हैं ना, तो ये वही सेम हमारा डिटरमिनेंट है यहाँ पर। तो लेकिन नॉर्मली हमें डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि हम जो है इस क्वेश्चन को सिंपली वो रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया तो हाफ लेंथ इंटू हाइट करके हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही सिंपल आते हैं, अगर किसी में तीनों कोऑर्डिनेट्स भी हो तो हम इस वाले फार्मूला को यूज करके काम चला सकते हैं। अब हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2016 का है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट पी एन क्यू, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये पी एन क्यू हो गया पॉइंट, पी और क्यू पे इंटरसेक्ट वो कर रही है इंटरसेक्ट। अगर इफ 3, 5 इज द मिडिल पॉइंट ऑफ पी क्यू, ये हमारा 3, 5 जो है ये क्या है, इसका मिडिल पॉइंट हो गया यहाँ का, ये 3 और 5 हमारा इसका मिडिल पॉइंट हो गया, तो इस वाली लाइन का क्यू एंड पी का। तो हमारे को पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो ये बिल्कुल सिंपल है। पहले तो हम ये वाले पॉइंट्स निकाल लेते हैं दोनों एक्स और वाई। तो अगर ये 3 है तो ये वाला डिस्टेंस हमारी, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, तो अगर 0 प्लस एक्स बाई 2 3 हो गया तो x कितना हो गया हमारा 6, इसी तरह से y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6, 0 और ये हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10, 0, तो ये हमारा डिस्टेंस 6 हो गया और ये हमारा डिस्टेंस 10 हो गया। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ 6 इंटू 10, तो हाफ 6 इंटू 10 हमारा कितना हो गया, 30 स्क्वायर यूनिट, तो डी ऑप्शन हो गया। तो कई बार अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जल्दी से एक डायग्राम बना लें और फिर उस क्वेश्चन को कर लें।
ये देखिए ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि हमारे एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ गई, एरिया हमारा हाफ ओपी एंड पिंटू ओक्यू हो गया, ये क्योंकि पी हमारा ये पी की ओपी की वैल्यू एक्स होगी क्योंकि तो एक्स की वैल्यू 6 दी हुई है, तो ये डिस्टेंस 6 हो गया। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस हमारा 10 हो गया, तो हमारा आंसर 30 स्क्वायर यूनिट निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, वो ये है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस y माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो y इज इक्वल टू एक्स तो हमारी ये वाली लाइन हो गई, तो दूसरा है y प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, y माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली लाइन हो गई हमारी, एंड x इज इक्वल टू सी, तो ये हमारा x इज इक्वल टू सी वाली लाइन हो गई। तो इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो अब x इज इक्वल टू सी इस वाली लाइन को कहाँ काटेगा, इसमें हमने रख दिया x इज इक्वल टू सी, तो y इज इक्वल टू तो एक्स है इसमें, तो वाई भी हमारा सी सी है, सी आ गया, तो ये तो सी सी हो गया हमारे कोऑर्डिनेट। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स हमारा सी है और ये लाइन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में हमारा वाई कितना आ गया, माइनस सी आ गया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे सी माइनस सी हो गए और ये ओरिजिन है, तो इसका एरिया कितना होगा, टू इंटू हाफ टू इंटू दिस ट्राइंगल्स एरिया, और ये ट्राइंगल का एरिया कितना है, सी इंटू सी। हाँ, तो ये क्या हमारा आंसर इसमें क्या आ गया, टू इंटू हाफ ऑफ सी इंटू सी, तो आंसर हमारा सी स्क्वायर ही आ गया, टू इंटू हाफ सी इंटू सी, तो ये सी स्क्वायर हमारा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एरिया के ऊपर 2015 का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज साइड्स। तो एक तो हमारा तरीका है कि हम इनको सॉल्व करते रहें और क्या कहते हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, उनसे हम उनका एरिया निकालें फार्मूला लगा के। एक है कि देखिए ना, इन लाइंस में बड़ी सिमिलैरिटी है, तो इसका लाइन का एक प्लॉट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आया हमारा। अब ax प्लस by प्लस c, एक हमने ये लाइन मान ली, तो ये कहाँ से होके जा रही है, x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू है माइनस सी अपॉन बी, और y इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू है माइनस सी अपॉन ए, तो एक हो गई हमारी लाइन माइनस सी अपॉन बी और माइनस सी अपॉन ए से पास होने वाली, तो एक तो हमारी ये लाइन हो गई, एक हमारी लाइन ये हो गई पैरेलल, इसके लाइन कौन सी है, ये वाली ax प्लस by माइनस सी है, तो ये c अपॉन ए और c अपॉन बी हो गए इसके कोऑर्डिनेट, तो ये वाली लाइन हो गई। ऐसे ही रिमेनिंग टू लाइंस इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली हो गई, तो ये इसमें जो है हमारी, ये हमारा क्या बन गया, इसमें हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया, क्यों, क्योंकि ये ax प्लस by प्लस c और ax प्लस by माइनस c ये दोनों भी पैरेलल है, और ax माइनस by प्लस c और ax माइनस by माइनस c ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, हाफ d1 इंटू d2, तो एक तो ये डायगनल हो गया और एक ये डायगनल हो गया, इस डायगनल की लेंथ हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 2c अपॉन b, और इस डायगनल की लेंथ हमारी आ गई 2c अपॉन a, तो एरिया हमारा कितना हो गया, 2c स्क्वायर अपॉन ab। तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमने ओरली अगर हम इसको डायग्राम को ढंग से बना लेते हैं तो हम इस क्वेश्चन को बिना किसी भी कैलकुलेशन के कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है कि भाई ये हमारे पॉइंट्स हो गए, ये हमारे जो वो बना उसका हाफ इंटू प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, एक हमारा 2c अपॉन b है, एक 2c अपॉन b है, तो इसकी वैल्यू 2c स्क्वायर अपॉन ab आ गई, यहाँ पर इक्वल टू का साइन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमेज ऑफ ए पॉइंट अगेंस्ट ए लाइन। अगर कोई लाइन की इक्वेशन दी हुई है और पूछा गया है कि भाई इस पॉइंट की इमेज विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन हमारी क्या होगी, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं ये आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा एक ये पॉइंट है और इसकी इमेज इस लाइन के अगेंस्ट निकालनी है,
तो हमारी क्या होगी, अगर सपोज ये उसकी इमेज है तो हम मिरर इमेज से क्या समझते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसको इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि व्हाट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 2 ऑन द लाइन 3x+4y-1 = 0। तो आपको पॉइंट दिया हुआ है और जिसके अगेंस्ट इमेज निकालनी है वो दिया हुआ है, तो ये 1, 2 हो गया, ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर जो पॉइंट हमें दिया हुआ है, मान लीजिए उसको हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो हमारी ये अल्फा बीटा, अब अगर ये हमने अल्फा बीटा मान लिए, ये 1, 2 है, तो इसके पॉइंट, ये तो एम तो मिडिल में होगा ना इन दोनों की, क्योंकि ये मिरर इमेज है। ऑल्दो इट डजंट लुक लाइक टू बी इन द मिडिल, बट बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी इन द मिडिल। तो हमारा इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, अल्फा +1/2 और बीटा +2/2, ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये कोऑर्डिनेट आपके इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये एक हमारी रिलेशनशिप आ गई अल्फा और बीटा के बीच में। तो ये देखिए, ये पहले हमने इसके एक अल्फा बीटा लिया, इसको हमारा ये हमने कर लिया और निकाला अल्फा वन, ये मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, उसको हमने इस इक्वेशन में रख दिया। तो हमारी एक ये रिलेशनशिप अल्फा बीटा के बीच में आ गई। अब अगर ये वाला जो हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसकी इक्वेशन आ गई, तो अगर ये इनमें से चार में से एक ही तो इनको नॉर्मली सेटिस्फाई करेगा। वैसे तो हमारा इसका जो प्रॉपर मेथड है वो लंबा है कि भाई हम अब नेक्स्ट स्टेप में इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालें और फिर उन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करें, तो ये उसमें भी एक हमारी अल्फा बीटा की रिलेशनशिप आ जाएगी और हम उन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा शॉर्टकट क्या है कि भाई ये पॉइंट जो है ये हमारी इस वाली रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करना चाहिए जो अल्फा बीटा की हमने निकाली है। तो देख लेते हैं कि कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में दिस -7/5 और -6/5 इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से आसानी से कर सकते हैं शॉर्टकट यूज करके, और ये ए ही ऑप्शन हमारा इसको सेटिस्फाई कर देगा, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा पॉइंट निकालने की, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। जो चार पॉइंट्स लिए हुए हैं, अगर वो उनमें से एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा सेटिस्फाई करता है, विच इज अनलाइकली, हमने देखा नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में एनडीए में, तो हमारी ये वाली ट्रिक काम कर जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो इसमें हमारा क्या है कि अगर ये हमारी कोई लाइन दी हुई है और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा डिस्टेंस और एरिया हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसको मॉडुलस मत लगाना भूलिएगा, क्योंकि कई इक्वेशन में जैसे मॉडुलस लगा हुआ है तो उससे प्लस माइनस वैल्यू आएगी, तो दो सॉल्यूशन आते हैं, तो इसको मॉडुलस को लगाना मत भूलिएगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, अगर ax+by+c है तो x1y के कॉल y1 इसमें रख दिया और उसको डिवाइड कर दिया √a² + b² ए हमारा क्या है, एक्स का कॉफिशियंट और बी हमारा वाई का कॉफिशियंट है। तो ax1+by1+c1/√a² + b² इसका मॉडुलस ये हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम लाइन ax+by+c होता है। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होगा, तो उसका फार्मूला ये है कि भाई पैरेलल लाइंस के लिए अगर ये एक और ये लाइन है हमारी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हम ओरिजिन ले लें और ओरिजिन से हम दोनों पर इस पे परपेंडिकुलर डाल दें। तो एक ये परपेंडिकुलर हो गया, सपोज दिस इज ओरिजिन, और दूसरा परपेंडिकुलर ओरिजिन से हमारा इस लाइन पे ये हो गया। तो ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ इस वाले में, अगर 0 0 रख दिया तो c1 / √a² + b²
तो ये वाला डिस्टेंस हमारा ये आ गया, और दूसरा वाला हमारा सी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, क्योंकि इसकी जो पैरेलल कोई भी लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस से सी टू। तो ये हमारा इसमें क्या करेंगे कि अगर दो लाइन है सी वन और सी टू जिसके ये वाले वैल्यूज हैं, तो वो सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पर भी कई क्वेश्चन एनडीए में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। अब हम उन क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं और सॉल्व करके अपना नॉलेज को एनहेंस करते हैं। अब हमारा ये वाला जो ये 2012 का क्वेश्चन है, कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये हमारा, क्योंकि हमें उतनी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर ये हमारा एक्स वाई है तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया। लेकिन हमने बताया है कि डिस्टेंस हमेशा मॉडुलस होता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स, ये हमारा डिस्टेंस होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा, या डिस्टेंस और एरिया दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉडुलस एक्स इज द करेक्ट आंसर एंड नॉट एक्स। अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, वो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द टू पॉइंट्स प्लस माइनस 40 ऑन दिस लाइन, ये क्या होगा। तो भाई एक बार 40 से परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लेते हैं और एक बार माइनस 40 से लेंथ निकाल लेते हैं, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट का। तो हमने इसको कैसे किया सॉल्व, ये हमारी इक्वेशन है, हमने 40 से परपेंडिकुलर डाला तो ये हमारा फॉर्म वो होता है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारी इस केस में क्या आ गई, लेंथ ऑफ ये आ गई 12 cos 5 माइनस 15 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो हमारे 9 cos 5 प्लस 25 sin स्क्वायर 5 हो गया, तो ये cos स्क्वायर होगा। अब हमारा जो है सिमिलरली P2 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 12 cos 5 माइनस 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 cos स्क्वायर 5 प्लस 25 sin स्क्वायर 5। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हमारा ऊपर क्या आ गया 12 cos 5 माइनस 15, और ये तो हमारा 12 cos स्क्वायर 12 cos 5 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर आ गया, ये आ गया, और नीचे जो है ये रूट हट गया, तो हमारा यही वैल्यू आ गई 9 cos स्क्वायर 5 प्लस 25 sin स्क्वायर 5। इस cos स्क्वायर 5 को हमने 1 माइनस sin स्क्वायर 5 लिख लिया, तो 9 प्लस 16 sin स्क्वायर 5 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा अब जो ये जो है cos स्क्वायर 5 है, इसको भी हमने 1 माइनस sin स्क्वायर 5 के फॉर्म में लिख लिया, तो ये भी हमारी इक्वेशन इस तरह से माइनस 9 कॉमन ले लिया तो ये आ गया, तो ये 9 प्लस 16 sin स्क्वायर 5 हमारा कैंसिल हो गया और हमारा आंसर 9 आ गया। तो इसमें यहाँ मतलब ये थोड़ी क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन प्रिंसिपल यही था कि भाई आप एक्स इसका जो किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी एक लेंथ क्या होगी। तो ये हमारी दोनों की लेंथ को मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हमें करनी थी, क्योंकि भाई अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये वाला तो कहीं ऑप्शन है ही नहीं ना, तो अगर ये ऑप्शन नहीं है तो हमें कुछ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वो दो तीन स्टेप का सिंप्लीफिकेशन आपने किया तो आपका आंसर 9 आ गया। नेक्स्ट हमारा इसका क्वेश्चन ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, ये क्या होगा। तो ये हमारे सब बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है। देखिए इस टॉपिक पे कितने सारे क्वेश्चन आए, 2003 हमने करा दिए हैं, ये वाले देखिए कितने सारे ये क्वेश्चन है, ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है जिसपे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक के जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिए हुए हमारे लेक्चर नोट में, वो आप सब एक बार देख लीजिएगा और उनको अच्छे से समझ के खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ये देखिए कितने सारे एवरी ईयर 1 or 2 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
फाइंडिंग फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर कोई पैरेललोग्राम है जिसके हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम फोर्थ कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम इस तरह क्वेश्चन में यूज करते हैं ये फैक्ट कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टिसेस हमारे ए बी सी डी ये दिए हुए हैं टेकन इन ऑर्डर। तो ये हमने बना लिया हम अपना इसी ऑर्डर में 1 2 हमारा 4 y x 6 n 3 5। तो ये कह रहा है कि ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो और इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। लेकिन पहले तो हमें ये जो है ए सी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और y डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये बी डी के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमारा ये दोनों पॉइंट, इसके ये जो पॉइंट है ये बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स, तो इसका और इसका जो मिडिल पॉइंट है और इसका मिडिल पॉइंट हमारे सेम है। तो इसमें हमारा क्या निकल के आ गया, इसमें हमारा क्या निकल के आया कि x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2। तो हमारा x क्या आ गया, x हमारा हो गया 6 आ गया। सिमिलरली y हमारा क्या आ गया, अब देखिए हमें 2 भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें y निकालना है तो इन दोनों जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट्स हैं दैट इज द y वैल्यू, उसको हम सम करके इसको घटा दें, तो 2 + 6 = 7, 8 - 5, तो ये हमारा y की वैल्यू 3 आ गई। नाउ दैट वी नो x एंड y बोथ, तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया कि हम अब ए सी की वैल्यू निकाल लें और बी डी की वैल्यू निकाल लें, और उसके बाद हम उनके स्क्वायर का डिफरेंस बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है कि अगर ये वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। देखिए मैं यही बात कहता हूँ कि एनडीए में एक ही टाइप के और एक ही पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करना बिल्कुल मैंडेटरी है। अब ये वाले क्वेश्चन को भी बिल्कुल हम इसी तरह से करेंगे। वर्टिसेस अगर ये 4 वर्टिसेस हैं तो आप देखिए ना कि क्या हो गया, x ऑफ इसकी वैल्यू हम बिल्कुल देख के निकाल सकते हैं कि x प्लस 1 वो हमारा 2 + 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, वो हो गई 1, ठीक है। और y के लिए हम क्या करेंगे, ये और ये पॉइंट्स अपोजिट है ना, तो y प्लस 4 क्या होगा, 3 + -2, तो ये कितना हो गया 1, और 1 में से 4 हमारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखिए और किसी मेथड से करेंगे तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे, और हमें 2 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल ही सीधा हमारा ये सिंपल शॉर्टकट हो गया, और हम इस तरह की प्रॉब्लम को इस तरह से इस मेथड से कर सकते हैं। और इस मेथड इस पर भी कई सालों में कई क्वेश्चंस आए हैं जो हमने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह से इसमें दिए हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। सो इफ द पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ax + by + c = 0, then the expressions ax1 + by1 + c and ax2 + by2 + c will be of same sign। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर दिया हुआ है इक्वेशन ax + by + c की = 0 की, और दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो दोनों की वैल्यू इसमें रख दी, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इसमें रख दिए, और चेक किया कि अगर जो हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है दोनों की, या नेगेटिव आ रही है, या एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव। अगर सेम साइन है, वेदर इट इज पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो वो दोनों पॉइंट सेम साइड ऑफ द लाइन लाई करेंगे। अगर अपोजिट साइन है तो वो लोग लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि
पॉइंट ए ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो दैट लाइज बिटवीन द लाइंस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन को बिना ग्राफ किए तो हम समझ नहीं सकते। तो चलिए हमने बना लिया, तो ये लाइंस क्या हो गए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो एक हमारी लाइन ये आ गई, एक हमारी लाइन ये आ गई। ये हमारी लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू हो गई, ये हमारी लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू हो गई। अब ये पॉइंट ए ए है, तो ये ए है तो मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो इस वाली लाइन के ऊपर ये हमारा पॉइंट लाई करेगा, ए ए समवेयर ऑन दिस लाइन जो है हमारी, ये वाला पॉइंट जो है हमारी इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर हमारी इस लाइन के ऊपर ये लाई कर रहा है तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, ए रूट टू हुआ। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर यहाँ पे कोई पॉइंट है ए ए, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, ए ए, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, ए रूट टू हो गया ये वाला डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस ए रूट टू है और ये वाला डिस्टेंस हमारा जो है हमें पता चल जाए, तो ये वाला डिस्टेंस हमेशा इस डिस्टेंस से छोटा होगा। अगर ये पॉइंट इधर है तो ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से छोटा होगा। तो वो दोनों डिस्टेंस हमारे क्या है, ये इनकी इक्वेशन क्या हो गई लाइंस की, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ओरिजिन से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो गई हमारी, प्लस माइनस टू अपॉन रूट ऑफ वन प्लस वन, तो ये हो गई हमारी रूट टू। तो इसकी वैल्यू हमारी दोनों ही केस में हमारी वैल्यू आ गई रूट टू। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ए रूट टू हमेशा रूट टू से छोटा होगा। तो हमारा क्या निकल के आ गया, ए रूट टू हमारा जो है ये हमारा रूट टू से छोटा है, लेस देन इक्वल टू रूट टू है जो है। और तो ये हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू वन। इसमें यहाँ पर मॉडुलस साइन लगेगा, मॉडुलस साइन हमारा इसलिए लगेगा क्योंकि हमारा जो है ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये तो हमारा डिस्टेंस है ना, जो ये डिस्टेंस इससे कम है, तो अगर नेगेटिव है ये वाला केस है तो हमें इसके लिए मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ ए वुड बी लेस देन वन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन ये रूट टू है तो ये मॉडुलस ऑफ ए वुड बी लेस देन वन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर प्रिंसिपल्स लगाते जाए तो बिल्कुल सीधे से आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता है। हमारी लास्ट कैटेगरी है इसमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर। अगर इस क्वेश्चन में हमें राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है जो कि वन वन और टू थ्री को ज्वाइन कर रहा है, तो हमारा राइट बाइसेक्टर है तो इसका मतलब इन दोनों के मिडिल पॉइंट से होके जाना चाहिए। मिडिल पॉइंट क्या हो गया, 3/2 कॉमा 2, ये इन दोनों का मिडिल पॉइंट हमारा आ गया। और जो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका जो स्लोप है वो इसके स्लोप के अपोजिट एंड नेगेटिव होगा, तो वो हमने स्लोप निकाल लिया, 3-1 2 एंड 2-1 2 हो गया। तो ये हमारा दो हमें चीजें पता चल गई, इनसे हमने इक्वेशन निकाल दी कि इसका स्लोप हमारा 2 आ गया, तो हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप -1/2 आ गया, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो 3/2 और 2 से पास होने वाले इस राइट बाइसेक्टर की हम इक्वेशन अब आसानी से सिंपल फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। विद दिस आवर सेकंड लेक्चर ऑन ट्रिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कुछ ट्रायंगल का एरिया और ये वाले टॉपिक्स के क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज विजिट दैट लेक्चर एज वेल। थैंक यू।